और अब देखेंगे खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से संक्रमित होने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के लोगों के जीवन और उनकी जीविका की चिंता है। पॉजिटिव होने के बाद भी गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हालात और व्यवस्था की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए प्रोटोकॉल भी जारी किया है और इनकी अब हर जिले में स्क्रीनिंग होगी। किसी में अगर कोरोना वायरस संक्रमण का लक्षण भी मिलता है तब भी उसको कम से कम 7 दिन होम क्वारंटीन होना होगा और किसी में अगर ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं तब भी इसी व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने जिले की ओर रवाना हो रहे हैं। रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर भारी भीड़ देखी जा सकती है। कोरोना प्रभावित जिलों से वापस अपने घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बेहद भयावह रूप लेने के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। बरेली में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसकी जानकारी दी। माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं की नई तारीख 20 मई के बाद तय होगी, जबकि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी 15 मई तक के लिए टाल दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के साथ लखनऊ के बिगड़ते हालात पर शासन के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर लखनऊ जिला प्रशासन पर सख्ती करने का अनुरोध करने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक एक बार फिर कोरोना से लड़ाई में फ्रंट पर हैं। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक बृजेश पाठक ने 1 करोड़ रुपए डीएम लखनऊ को निर्मित कर अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के साथ कई और सुविधाएं देने के लिए कहा है। और अब बात करेंगे गांव की सरकार पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज वोटिंग हुई। मतदाताओं के पास मताधिकार का इस्तेमाल कर गांव की सरकार चुनने का मौका रहा। इस बार मतदाताओं के सामने दोहरी चुनौती रही, एक सही उम्मीदवार को चुनने की, दूसरी कोरोना से बचाव की। आपको बता दें कि आज 18 जिलों में त्रिस्तरीय चुनाव के लिए मतदान हुआ है, जो कि पहली बार 11 घंटे तक वोटिंग हुई है। तो सही उम्मीदवार चुनने को लेकर चुनौती भी रही और इस बार जो समीकरण थे वो काफी बदले हुए नजर आए, क्योंकि पहले बार ऐसा हुआ कि जब कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत इन सभी ने मतदान किया है और जिला पंचायत सदस्य के 11,442 प्रत्याशी इस बार मैदान में है। ग्राम प्रधान के 11,442 प्रत्याशी मैदान में, मतदाताओं के सामने दोहरी चुनौती रही। तीसरे चरण के मतदान में 20 जिले शामिल हुए और इस बार जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई थी। 24 घंटे पहले जो परिजन है उनको जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देनी थी कि जो भी व्यक्ति उनके परिवार में कोरोना संक्रमित है, उसके बाद पीपी किट के जरिए उन्होंने मतदान किया है और चौथे चरण के मतदान में 17 जिले होंगे। तो दोहरी चुनौती इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पहली चुनौती थी एक सही उम्मीदवार को चुनने की, क्योंकि हर एक मत का एक अहम विशेष महत्व होता है। वहीं दूसरी चुनौती थी कोरोना का प्रोटोकॉल जो है उसको पालन करने की। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के रौद्र रूप धारण करने के बीच गांव की सरकार चुने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में 4 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज पहले चरण का मतदान हुआ और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से लखनऊ, प्रयागराज, हरदोई, बोली, बरेली और संत कबीर नगर, सहारनपुर में तस्वीरें सामने आई है, जहां वोट करने के लिए भारी संख्या में मतदाता वोटिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी जगह कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया गया और जो भी संक्रमित थे उनके लिए भी विशेष व्यवस्था यहां पर की गई थी। पीपी किट पहनकर उन्होंने मतदान किया है। रायबरेली के डिघा मतदान केंद्र पर 2 प्रत्याशियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद मतदान केंद्र पर भगदड़ मच गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो रायबरेली में मतदान के बीच हिंसा की खबर भी सामने आई। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 प्रत्याशियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात था और मतदान केंद्र पर स्थिति को किसी तरह से संभाला गया। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में है।
यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण में आगरा में बवाल हो गया। आगरा के फतेहाबाद तहसील के रिहावली मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय के एक बूथ से उपद्रवी दो मत पेटिका लूट ले गए। बताया जा रहा है कि यहां पहले फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों के समर्थक आमने सामने आए थे। इसी दौरान मतपेटी लूट की वारदात हो गई। मतपेटी लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स सहित जिला अधिकारी और SSP मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। लोग आपस में मारपीट हुआ है तो बाद उन लोग मत पटा के लेके भाग गया था, लेके भाग गया गांव के लोगों ने और पुलिस मौके पर पहुंचा। पहुंचने के बाद उन लोग से भाग गया, उसमें पुलिस ने 8 लोग गिरफ्तार किया है और बाकी लोग के खिलाफ भी पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है और मतपेट का भी सर्च ऑपरेशन कर रहा पकड़ने के लिए। और पुलिस जो मतपेट का लूटपाट करने के लिए उनके खिलाफ डकैती धारा में मुकदमा दर्ज कर रही है। उसके साथ साथ जो भी उस घटना क्या है उन लोगों के खिलाफ पुलिस NSA भी लगेगी और पुलिस अभी वर्तमान में गांव में स्थिति सामान्य है। हमारा SP ईस्ट और SP क्राइम और CO लोग और SHO से मौके पर गांव में है, अभी उन लोग सभी बाकी लोगों के गिरफ्तारी करने में लगा है। गोरखपुर खजनी तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा सरिया तिवारी के सभी मतदाताओं ने विकास न होने से वोट का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के सारे लोग प्रधान के भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर सभी आला अधिकारियों को कर चुके हैं, जिसके बाद भी कोई अधिकारी ना तो जांच करने पहुंचा और न ही कोई कार्रवाई की गई, जिससे आक्रोशित होकर पूरा गाँव मतदान का बहिष्कार कर चुका है। हमारे गाँव में कोई रोड है न नाली है न बड़ा घर है सर। अब पहला काम यह दूसरे को भरमाक 5,000 रुपया लिया, हमारी औरत खुद जेवर बांध के 5,000 दिया है, आज जेवर का कागज भी है मेरे पास, मैं अभी दिखा रहा हूँ, उसका ब्याज भी नहीं वापस। वोट का बहिष्कार हम लोग इसलिए कर रहे हैं सर कि गांव में आजादी के बाद से आज तक आप खुद समीक्षा कर लीजिए या सरकारी अधिकारी आके समीक्षा कर लें कि कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो सरकार की योजनाएं आती हैं वो भी स्वच्छता से इस ग्राम प्रधान ने नहीं प्रदान किया गांव वालों को, कॉलोनी में भी धांधली और जो भी शौचालय बना है उसको भी अच्छे तरीके से जांच करा लीजिए, उसमें भी धांधलीबाजी हुई है। महाराजगंज जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला उस समय सामने आया जब लालपुर में पूर्व विधायक के भाई और पूर्व प्रधान अपने समर्थित प्रधान प्रत्याशी के पक्ष में मनरेगा की मजदूरी कहकर पैसा बांट रहे थे। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने पूर्व प्रधान सत्येंद्र नाथ द्विवेदी उर्फ राजू द्विवेदी के खिलाफ टूटी बारी कोतवाली में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर फतेहपुर से है जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन किया गया। DM और SP ने नामांकन केंद्रों पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं नामांकन स्थल पर प्रशासन की ओर से ड्रोन से निगरानी रखी गई। निरीक्षण के दौरान SP ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है और यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में कई वोटर ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने मत का पहली बार प्रयोग किया। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह और खुशी देखने को मिली। वहीं चिलचिलाती धूप में लोगों की भीड़ ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए लंबी लाइन में लगकर शांतिपूर्ण मतदान किया। का पहला मतदान चरण शुरू हो चुका है। हम खड़े हुए हैं राही ब्लॉक में जहां पर अब तक सुबह 7 बजे से अब तक 40% वोट जा चुके हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद उपाय पुलिस वालों ने कर रखा हुआ है, कहीं पर अभी तक किसी अराजकता की कोई भी घटना सामने नहीं आ रही है। लेकिन अगर बात करी जाए सोशल डिस्टेंस की या कोरोना गाइडलाइन की तो आप पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से बोलेंगे, पीछे देख सकते हैं आप यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंस की कितनी धज्जियां उड़ा रहे हैं कि क्या ये वोट डालने आए हैं और कोरोना को साथ लेके जाएंगे। अब तक ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि लोग यहाँ पर बेफिक्री से साथ में चिपक के चिपक खड़े होके वोट डालने के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। शांतिपूर्वक चुनाव के लिए लोग यहाँ लगातार खड़े हुए हैं। अब तक अच्छे से वोटिंग हो रही है और लोगों का ये सैलाब ये जाहिर करता है कि लोग यहाँ चुनाव के लिए काफी उत्साहित है। कैमरा पर्सन अरशद अली के साथ आफ्ताब खान, जनता TV, रायबरेली।
मिर्जापुर के छानवे क्षेत्र के विधायक अपनी पत्नी रिंकी का नामांकन कराने के लिए नामांकन केंद्र पर पहुंचे। राजगढ़ विकास खंड के वार्ड संख्या 3 से रिंकी ने नामांकन किया, लेकिन नामांकन के बाद जब उनसे प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया तो वो चुप्पी साध गई। ऐसे में प्रत्याशी मणिराम कोल ने कहा कि बच्चा बच्चा जानता है पीएम का नाम, लेकिन उन्होंने भी पीएम का नाम नहीं बताया। पहले तो भाई वो सबसे पहले आशीर्वाद दें, उसके बाद जो है स्कूल की है, स्कूल है और हॉस्पिटल है, जो भी मतलब जरूरतें हैं उनको पूरा। आपकी क्वालिफिकेशन कितना है? जी शिक्षा। अच्छा ये बताएं कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या नाम है? जिला पंचायत मंत्री का क्या नाम है? जिला पंचायत नहीं नहीं राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्री क्या नाम है आपके? प्रदेश पंचायती राज मंत्री क्या नाम है? चलो अगर कोई सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो हलिया वार्ड नंबर 4 आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा वहाँ निवास करते हैं और एकदम इतना विकास से वंचित है, क्योंकि हर समस्या है वहाँ और सब समस्याओं को दूर करने की कोशिश हमारी सरकार लगी है। बराबर अब कुछ भी हो रहा है, विकास हो रहा है और जो कुछ भी बाकी रहेगा उसके लिए पूरा पुरजोर ताकत लगा करके उसको करने का काम करूंगा और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उससे अब वह वार्ड नंबर 4 वंचित नहीं रहेगा। जिंदा को अस्पताल नहीं, मुर्दे को शमशान नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कुछ इसी तरह से नए नए दौर दिखा रही है। पिछले 24 घंटे में 22,439 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले लखनऊ की ही बात करें तो 5,433 संक्रमण के केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 68 लोगों की मौत हो गई। हालांकि राज्य में अभी भी 1,35,500 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये बेहद खतरनाक स्थिति देखी जा रही है। मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो ये आलम है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एजेंसी के बाहर लंबी लाइन लग गई है। ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं हो रही है, इस वजह से लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। और जिस तरह से ब्रेथलेसनेस की समस्या सबसे ज्यादा होती है, जो गंभीर मरीज होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर किसी संजीवनी बूटी से कम साबित नहीं होता। लेकिन हालात यह है कि जिस तरह से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उस संख्या में हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। जो प्राइवेट गैस एजेंसीज हैं जो कि इसे सप्लाई करने का काम करती है, उनके पास भी ग्राहकों की इतनी लंबी कतार है कि वो सभी की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और एक हफ्ते में महिषासुर बना है कोरोना। तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए आपको आंकड़े दिखाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं किस तरह से एक हफ्ते में कितना जबरदस्त उछाल कोरोना के केसेस में आया है। 8 अप्रैल की बात करें तो 8,000 केसेस सामने आए थे, वहीं 14 अप्रैल से ये जो केसेस हैं वो 20,000 के ऊपर पहुंच गए। एक्टिव केसेस की बात करें तो 1,35,500 एक्टिव केसेस की संख्या इस वर्ष प्रदेश में है। और वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि कोविड का प्रोटोकॉल भी पालन किया जाए लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। दोहरी चुनौती इस वक्त आम नागरिकों के लिए भी बनी हुई है। वहीं सरकार पूरी तरह से व्यवस्था होने की बात कह रही है, हालांकि जो सूबे के मुखिया हैं वो खुद कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे में अब प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जितने जल्दी संक्रमण की चेन तोड़ी जाए उतना बेहतर होगा। लखनऊ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने केजीएमयू को डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाने का फैसला किया है। यह फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया है। आपको बता दें कि केजीएमयू में भर्ती मरीजों को लोहिया अस्पताल में शिफ्ट कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात बद से बदतर हो गए हैं। हर जगह चीख पुकार, सड़कों पर सरपट दौड़ती एम्बुलेंस, अस्पतालों में बेड फुल, ऑक्सीजन गुल, शमशान लाशों से भरे पड़े हैं। जी हां, हम आपको कोरोना वायरस के कहर की ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अब तक की सबसे भयावह तस्वीरें हैं। तो ये कोई आम मंजर नहीं है, इस वक्त पूरे देश से ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन यूपी का हाल भी बुरा है। मरने के बाद लाशें अपने अंतिम संस्कार का इंतजार करती हुई नजर आती है। वहीं आपको बता दें कि रेलिंग के जरिए भी कंटेनमेंट जोन को ढका जा रहा है और ये चिता नहीं चेतावनी है।
चिताओं के लिए जगह भी कम पड़ती जा रही है। जो कब्रिस्तान है वो भी लगातार भरते जा रहे हैं। ऐसे में मरने वालों की संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, उन्हें दफनाने का, उनके अंतिम संस्कार करने का भी एक संकट पैदा हो गया है। जीने के लिए संघर्ष, मरने के बाद भी इंतजार। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। देश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी स्थिति बेहद खराब है। कब्रिस्तान लगातार फुल होते जा रहे हैं। जो परिजन है वो अपने मृतकों को दफनाने के लिए लंबी कतारें लगाने के लिए मजबूर हैं। पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो है 10 ट्रक लकड़ी जो है कल मंगवाई गई है और अगले जो है 8 दिनों के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा जो हमारा आरआर का केंद्र है उसमें भी लकड़ियां रखवाई गई हैं और ऐसी कोई बिल्कुल भी समस्या नहीं है। और चिताएं देखिए रात को तैयार की जाती हैं ताकि सुबह जब बॉडीज आएँ तो उनका तत्काल जो है अंतिम संस्कार किया जा सके। और देखिए बॉडीज जो है सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय आती हैं, तो अगर रात को आती है तो उसका अंतिम संस्कार रात को किया जाता है, अगर सुबह आती है तो सुबह किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी बेकाबू होती जा रही है, वहीं संक्रमण से मौतों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ के शमशान घाट का वीडियो शेयर करते हुए राज्य की योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस त्रासदी को छिपाने में समय संसाधन लगाना व्यर्थ है। वहीं उन्होंने कहा कि इस महामारी को रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाइट कर्फ्यू के नए आदेश जारी किए हैं। इस दौरान अब नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात के 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक लागू होगा। आपको बता दें कि पहले जनपद में नाइट कर्फ्यू का समय रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक निर्धारित था, लेकिन अब ये टाइमिंग बदल दी गई है। इसमें मेरठ के साथ ही प्रदेश के कुल 10 जिलों में लागू किया गया है। लखनऊ में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही साथ जांच रिपोर्ट में होने वाली देरी भी मरीजों की बदहाली की सबसे बड़ी वजह है, जिसके चलते कोरोना के संदिग्ध मरीज 5-7 दिनों तक रिपोर्ट नहीं मिलने पर गंभीर हो रहे हैं। उनके ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा है, लेकिन जब वो भर्ती के लिए जा रहे हैं तो उन्हें ना तो नॉन कोविड में कोई भर्ती लेने को तैयार है और ना ही कोविड-19 अस्पताल में एडमिट किया जा रहा है। कल एक ऐसा ही मामला सामने आया जब 60 साल के एक बुजुर्ग मरीज को किसी अस्पताल में भर्ती नहीं लिया गया। आखिरकार वो अस्पताल के गेट पर कार में ही ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जिंदगी से संघर्ष करते दिखे। और अब बात करेंगे लापरवाही, जो भारी भी पड़ती जा रही है। शामली में जहां एक महिला को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कोरोना वैक्सीन की जगह रेबीज का टीका लगा दिया गया था, तो वहीं महाराजगंज जिले में भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली, जब सीडीओ के वाहन चालक को कोरोना का टीका पहले कोवैक्सीन तो दूसरी कोविशील्ड दी गई। जब इस बात की जानकारी हुई तो मामला गर्मा गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग इस मामले में लीपापोती करते दिखा। वैक्सीन लगवाने आए थे, पहला डोज हमको कोवैक्सीन लगा था, लेकिन गलती से जो है कोविशील्ड लगा दिया गया है। और इनसे बात करने पर लोग बता रहे हैं कि चलिए गलती हो गई, कोई बात नहीं है, अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार है। हिंदी के मशहूर कवि और जाने माने गीतकार कुंवर बेचैन भी कोरोना की चपेट में हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, ऑक्सीजन लेवल 77 तक जा पहुंचा है, लेकिन दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कुंवर बेचैन को इस हालत में भी वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था। तब हिंदी जगत के दूसरे बड़े कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने ट्वीट कर उनके लिए मदद मांगी, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कुमार विश्वास को फोन कर मदद का आश्वासन दिया, जिसके बाद अब कुंवर बेचैन को डॉक्टर महेश शर्मा के कैलाश अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया आज हुई है। ऐसे में प्रशासन के सामने कई बड़ी जिम्मेदारियां भी थीं। पहली ये कि चुनाव को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित कराया जाए, दूसरी ये कि कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए सूबे में मतदान हो। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको सूबे में कैसे हो रही थी और वोटिंग, और क्या है प्रदेश का वर्तमान हाल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की बहार तो आ गई है, लेकिन ये बहार साथ लाई है समस्याओं का अंबार भी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में सूबे के 18 जिलों में वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ कोरोना की रफ्तार और भी तेज है। क्या शासन क्या प्रशासन, सब आइसोलेशन और क्वारंटीन के वार्ड के तौर पर बनाए गए फ्रिज में
बर्फ की तरह जम चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों में लापरवाही का फितूर सर चढ़कर बोल रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, कोरोना गाइडलाइंस को तार तार करते ये लोग, ना तो दो गज की दूरी है ना ही कोविड के नियमों का ख्याल। सिपाही साहब तो थानेदार बनकर अपनी ही चौड़ में खड़े हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, ना दूरी है ना मास्क, इनके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। इनकी हरकतें तो ऐसी हैं जैसे ये कोरोना वायरस को अपने घर के कमरे में बंद कर आए हों और उससे कह दिया हो कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो थी जिम्मेदारों की लापरवाही की तस्वीरें, लेकिन अब हम आपको इन्हीं लापरवाहियों से सामने आने वाले परिणाम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। जरा ठहरिए, विचलित नहीं, बहुत विचलित कर देंगी। ये तस्वीरें लखनऊ के बैकुंठ धाम की हैं, जहां शवों को जलाने के लिए भी जगह बमुश्किल मिल पा रही है। शवों को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं, लेकिन कोरोना का ये नया स्ट्रेन सूबे को, या यूं कहें पूरी दुनिया को, अपनी जद में जरूर ले रहा है। अब इसे संदेश समझिए, अपील या फिर चेतावनी, बात साफ है और दो टूक भी। अगर लोगों ने लापरवाही का दामन नहीं छोड़ा तो सामने आएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इस समय वाराणसी से इस समय की बड़ी खबर मिल रही है, हर शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन का यह फैसला हुआ है, व्यापारियों की सहमति से ये फैसला लिया गया है। सरकारी दफ्तर, बैंक, LIC और डाकघर खुले रहेंगे, 30 अप्रैल तक ये नियम लागू रहेगा। तो व्यापारियों की सहमति से वाराणसी में बड़ा फैसला लिया गया है, व्यापारियों की सहमति से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सरकारी दफ्तर, बैंक, LIC और डाकघर बस इस दौरान खुले रहेंगे, 30 अप्रैल तक इस नियम की मियाद रहेगी और इस तरह इस वक्त बंदी रहेगी। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी, सब कुछ बंद रहेगा। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है और व्यापारियों को भी इस फैसले में शामिल किया गया था पहले चर्चा के लिए, जिसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी, लेकिन जो जरूरी सुविधाएं सरकारी दफ्तर है, बैंक है, LIC और डाकघर, उन्हें इस छूट के दायरे में रखा गया है, 30 अप्रैल तक ये नियम लागू रहेंगे। इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।